टिकली विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्वेता महल्ले हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि शीत सत्र 2023 ने विदर्भ को क्या दिया है और आपने आपके चुनाव क्षेत्र के कौन से मुद्दों को यहाँ पे रखा था सदन में और सरकार की किस तरह की भूमिका है। सबसे पहले तो जो परिस्थिति दिवाली के बाद यहाँ पे हमने सबने देखी, जो विदर्भ मराठवाड़ा का जो किसान है वो अतिवृष्टि के कारण वहाँ पे पीड़ित हुआ था, तो उस किसान के लिए सरकार ने पैकेज जाहिर किया है। मराठा आरक्षण को लेकर भी मराठवाड़ा में विदर्भ में बहुत वातावरण खराब हुआ था, उसका भी कल जवाब खुद सीएम साहब ने दिया है। और जो कुछ भी ज्वलंत विषय विदर्भ के है उस सभी विषय पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। खाली चर्चा ही नहीं तो सरकार विदर्भ के लिए पैकेज भी दे रही है। और रहा प्रश्न मेरी विधानसभा का, तो मेरी विधानसभा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो कि किसान ज़्यादातर आते हैं, तो जो किसान को अतिवृष्टि की मदद नहीं मिली है, बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने जो चना लगाया था उनका चना जल गया है, पीक बीमा जो कंपनी है वो मदद नहीं कर रही थी, तो उस बारे में निर्णय मंत्री महोदय ने दिया है। राजपूत समाज मेरी विधानसभा में बहुत मात्रा में है, राजपूत समाज के लिए भी एक स्वतंत्र आर्थिक महामंडल हो ऐसी मांगनी बहुत दिनों से आ रही थी, तो आज ही लक्ष्यवेदी के माध्यम से मंत्री महोदय ने 15 जनवरी के पहले यह जो आर्थिक मंडल है ये कार्यान्वित होगा ऐसा शब्द हमें दिया है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे विधानसभा में भी और सरकार में भी अच्छा काम चल रहा है। विपक्ष द्वारा तो कई बार सत्ता पक्ष को घेरा गया है इस अधिवेशन के दौरान और कहा गया है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, आप सत्ता पक्ष से हो क्या कहो? देखो, विपक्ष का तो काम ही रहता है कुछ ना कुछ मुद्दा उपस्थित करके जो वातावरण है वो और कैसे खराब हो जाए। अभी आप देख रहे हो विपक्ष के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, किसानों को पैकेज दिया है, मराठा आरक्षण का विषय सरकार गंभीरता से लड़ रही है, जो विदर्भ में अधिवेशन चल रहा है तो विदर्भ के लिए भी अच्छा सा पैकेज दे रही है, तीन राज्य जो है तीन राज्य के चुनाव आने के बाद विपक्ष तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खुद का अस्तित्व टिकाने के लिए जानबूझकर कुछ विषय यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो क्या बताना चाहोगे कि 2023 के शीत सत्र ने विदर्भ को क्या दिया, खासकर आपका जो जिला आता है बुलढाणा जिला, वो सूखाग्रस्त है, क्या बताओगे? और किसान बड़ी मात्रा में, मैंने बोला ना, वही तो बोला कि किसानों के लिए पैकेज जाहिर किया है ना सरकार ने, तो उसी पैकेज के अंतर्गत हमारे जिले के मेरी विधानसभा के जो किसान हैं उन्हें भी मदद मिल जाएगी। तो हमने देखा कि श्वेता महल्ले हमारे साथ थी और किसानों को जो है सरकार की ओर से बहुत अच्छा पैकेज जाहिर किया गया है और साथ ही साथ सरकार जो है सकारात्मक है ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।